आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है 10+2 विद्यालयों में स्मार्ट लर्निंग क्लासेस की शुरुआत। सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के कई विद्यालयों में अब स्मार्ट लर्निंग क्लासेस की शुरुआत की जा रही है। मंगलवार को साक्षी स्थित राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय में उपायुक्त ने स्मार्ट लर्निंग क्लासेस की उद्घाटन की। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी सहित अन्य मौजूद थे। उपायुक्त ने अपने संबोधन में बालिकाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आए दिन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब बालिकाओं ने बालकों को पीछे छोड़ दिया है, जो एक अच्छा संकेत है। उन्होंने महिलाओं और प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया। आज जो वो मोटो के CSR फंड के माध्यम से इस बालिका विद्यालय में स्मार्ट किचन के माध्यम से भी जिले में 22 उच्च विद्यालयों और 10+2 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस जो है शुरू हुआ। सरकार की जो प्राथमिकता है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में, और इसी के कारण से आज जो विभिन्न विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस शुरू किए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि खासतौर पर बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए, और इसको लेकर के ये प्रयास किए गए हैं। इसमें बच्चियां ऑडियो विजुअल क्लिपिंग्स के माध्यम से जो वो सीखेंगी। इस वर्ष हज में जाने वाले आजमीनों के लिए 17 से 29 जुलाई तक उड़ानें रखी गई हैं। मंगलवार को उनका टीकाकरण किया गया। हज यात्रा पर जाने वाले आजमीनों के लिए मंगलवार को टीकाकरण का आयोजन किया गया। जामा मस्जिद हज कमेटी द्वारा कुल 279 आजमीनों के जाने की व्यवस्था की गई है। उनके लिए 17 से 29 जुलाई तक रांची से उड़ान की व्यवस्था की गई है। जो लोग इस साल में जो हज के लिए जो सऊदी अरेबिया जाना है, उसके लिए मेडिकल का कैंप जो है वो लगता है, वो ज़रूरी है, और उसमें टीका पड़ता है। मेनिनजाइटिस का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका और कोरोना पोलियो का ड्रॉप्स पड़ता है। जो खड़ंगा झाड़ से अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर SP के पास गुहार लगाने पहुंची महिला ने क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ और जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया है। मासूम बच्चे को गोद में लेकर SP के पास पहुंची इस महिला का नाम नीतू पाठक है, जो अपने पति के साथ खड़ंगा झाड़ में रहती है। उसने बताया कि उसी क्षेत्र के दबंग व्यक्ति द्वारा हरजीत सिंह लांबा नामक व्यक्ति अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करता है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। एक दबंग आदमी है जो तकरीबन 2-2.5 साल से मेरे पीछे परेशान है, और हम थाना में FIR भी दर्ज कराए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम सर से मिलने आए हैं, क्या करें। दबंग व्यक्ति क्या नाम है? हरजीत सिंह लांबा। हरजीत सिंह लांबा क्या करता है? क्या सर, उसका दुकान उकान है। क्या बोलता है आपको? बोलता पति को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। और वो मेरे को ही नहीं, मेरे जैसा बहुत सारा लड़की के साथ वो ऐसा ही करता है। अब काला धन छुपाने वालों और कर वंचना करने वालों की सूचना देने वालों को सरकार माला माल कर देगी। जी हाँ, सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है। आयकर उपनिदेशक आशीष कुमार ने प्रेस वार्ता बुलाकर मीडिया के माध्यम से उक्त जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इस नए स्कीम का नाम है इनकम टैक्स इन्फॉर्मर अवार्ड स्कीम। उन्होंने कहा कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसमें हम लोग यही आपको बताना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018, जिसमें अगर 2-4 मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स चोरी के बारे में, या किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित किए हुए काले धन प्लस कोई एसेट्स या कोई और कोई ऐसा ब्लैक मनी के बारे में इंफॉर्मेशन आप देते हैं हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो अप टू 1 करोड़ तक आपको इनाम देने का सरकार ने रखा है। इसमें 1% आपको तुरंत
जब हमारी कार्रवाई होगी उसके बाद ही मिलेगा, और उस अप टू 5% जो हमारे एडिशनल टैक्सेस मिलेंगे उससे वो पूरी कार्रवाई ख़त्म होने के बाद मिलेगा। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ यही है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरे को नहीं देनी है, यानी कि अगर आप जमशेदपुर में रहते हैं तो आपको देनी है रांची में जाकर के, वहाँ पे हमारे बैठते हैं जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि रांची में हमारा इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहाँ पे आपको जा करके उनसे मिल करके एक फॉर्म है जिसका नाम है एनेक्शन ए, उसको भर कर दे। मेन ये है, आपकी जानकारी को भी इसमें गोपनीय रखा जाएगा। चंदन यादव और उनकी पत्नी सपना यादव वैसे चंद लोगों में शुमार है जो निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं और हर संभव गरीबों की मदद करने का प्रयास करते हैं। ये है चंदन यादव और उनकी पत्नी सपना यादव। ये दंपति न तो कोई एनजीओ चलाते हैं, न कोई संगठन से वास्ता रखते हैं, बस जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वे निस्वार्थ भाव से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच दान कर देते हैं। मंगलवार को दंपति ने एमजीएम अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती महिलाओं के बीच फल और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। क्षेत्र के धनाढ्य लोग यदि इस दंपति से सीख ले तो गरीबों को काफी राहत मिलेगी। कार्यक्रम ऐसा है कि महीने में 10 दिन मेरे को गरीब लोगों का सेवा, फल फ्रूट वितरण, गरीब बच्चा लोग जो स्कूल में नहीं पढ़ता उसके लिए किताब कॉपी पेंसिल, और जो रोगी जो खाने के लिए मरम्मत है, जो दवाई के लिए मरम्मत है, उसका सेवा करना मेरा मात्र उद्देश्य है। बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स और बिना किसी एनजीओ के सहायता से मैं जो करता हूँ खुद अपने कमाई हुई आधी हिस्सा से करता हूँ।